शिवाज साहब, आपने इतना लंबा समय भारत माता की सेवा में भारतीय सेना में दिया है, मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स भी आज जाने कि आपका सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस क्या था और उससे आपने कैसे पार पाया, सबसे मुश्किल। हाँ देखो विशाल, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने करीब करीब 38 साल से ज़्यादा फौज की नौकरी की और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क थे। शुरू में मैंने मिजोरम की मिलिटेंसी देखी, उसके बाद आप श्रीलंका का भी देखा, इसके बाद मणिपुर की मिलिटेंसी देखी, जम्मू एंड कश्मीर की मिलिटेंसी के अंदर मैं 20 से 22 साल रहा हूँ। उसके बाद मैंने साइचिन ग्लेशियर में नौकरी की है, वहाँ का पूरा चीफ ऑफ स्टाफ रहा। मगर अगर आप मुझे बोलें कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क क्या था, जब मैं मच्छल सेक्टर जो कि कुपवाड़ा में है, लाइन ऑफ कंट्रोल में जो मैंने ब्रिगेड कमांड की है 2 साल के लिए, वो एक मेरे को लगता बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। उस समय बहुत ज़्यादा आपस में गोलाबार जो चल रही थी भारत और पाकिस्तान में, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है काफ़ी आतंकवादी भेजने की कोशिश करता था और हमारा काम था कि आतंकवादियों को मारना। तो मुझे एक हादसा याद है जहाँ पर करीब करीब 12 आतंकवादी जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे थे और उधर से पाकिस्तान जो है वो अपना कवरिंग फायर दे रहा था, आरटी फायर भी, मोर्टर भी दे रहा था। उसके अंदर जब हम ऑपरेशन लगे थे तो मैं एज अ ब्रिगेड कमांडर उसके अंदर कोई खास इन्वॉल्व नहीं होता, मगर जब मैंने देखा ये लड़ाई काफ़ी देर तक चल रही है तो मैं उस यूनिट के अंदर जाता हूँ, उसके अंदर हिस्सा लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार से दोनों तरफ हमला हो रहा था और मैंने देखा जो मेरा रनर था और उसके साथ था, एक बम आता है और उसको उड़ा देता है और उसके बाद जब आतंकवादियों के साथ एक बार मुठभेड़ होती है तो आप 12 से 14 आतंकवादी तो मार दिए मगर हमारी अपनी भी कैजुअलिटी। तो ये एक ऑपरेशन एक बहुत ही मुश्किल था जिसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी भी इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान की ISI भी इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान के टेररिस्ट भी इन्वॉल्व थे, मगर अंत में हमने करीब करीब 14 टेररिस्ट को अगले 4-5 दिन के अंदर ख़त्म किया और एक बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा। और इसके अंदर मैंने अपने जो कुलीग थे वो भी खोए, जो मेरा खुद का रनर था, जब मैंने उसको उड़ते हुए देखा एक ऐसा दिमाग में रहता है कि वो मेरे को भी मैं नहीं भूल सकता, जो आपके साथ चल रहा है अगले पल उसके चिथड़े चिथड़े हो जाएं ऐसा मुमकिन सा नहीं लगता। मगर देश की सेवा के लिए आप हरदम तैयार हैं और मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क थी।